Hey guys, welcome back to my channel. Hope you guys are doing really well today. So guys, in today's video I'm going to share a quick DIY. So basically winters आ रहे हैं एंड विंटर्स में हम सबकी स्किन काफ़ी डल हो जाती है, ड्राई हो जाती है, थोड़ा सा मॉइस्चर को लैक करती है, ब्राइटनेस को लैक करती है. बेसिकली जिनकी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है उनको तो ये इशू हमेशा फेस होता ही होगा कि आपकी स्किन ब्राइटर नहीं लगती, आपकी स्किन हैप्पी नहीं लगती है, आपकी स्किन काफ़ी डल लगने लगती है. सो इनकेस आपकी भी नॉर्मल टू ड्राई स्किन है या फिर आपकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है और विंटर्स में और भी ज़्यादा ड्राई हो जाती है या आपकी स्किन ब्राइटर नहीं लगती है, जैसे समर्स में थोड़ा सी ना सॉफ्ट लगती है, सपल लगती है, विंटर्स में नहीं लगती है बिकॉज आपकी स्किन का मॉइस्चर सक आउट हो जाता है ड्यू टू विंटर्स एंड ऑल ऑफ दैट. सो ये पैक जो DIY है ये आप डेली यूज़ कर सकते हो, घर के इंग्रेडिएंट से बना है एंड आपकी स्किन को बहुत ही सॉफ्ट बना देगा, स्मूथ कर देगा. कोई एक्ने इशू है, पिंपल इशू है, उसको भी क्योर करने में हेल्प करेगा. इफ यू हैव सेंसिटिव स्किन आप इसे यूज़ कर सकते हो, इफ़ यू हैव ड्राई स्किन आप इसे यूज़ कर सकते हो. बेसिकली आप इसे डेली यूज़ कर सकते हो, इफ़ यू आर अ टीनेजर आप इसे यूज़ कर सकते हो. सो बेसिकली आपकी स्किन को ब्राइटर, हैप्पियर, हेल्दी और सॉफ्टर, सफल रखने के लिए ये DIY है. एंड स्पेसिफिकली ये मैं नॉर्मल जो ड्राई स्किन वालों को सजेस्ट करूँगी जिससे आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी विंटर्स में. आप मॉर्निंग में यूज़ कर सकते हो, आफ्टरनून में यूज़ कर सकते हो, नाइट टाइम में यूज़ कर सकते हो. इस फेस पैक को 10-15 मिनट्स के लगाना है एंड उसके बाद वॉश इट ऑफ. और आपको मॉइस्चराइजर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इतना हाइड्रेटिंग और इतना नरिशिंग फेस पैक है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो गाइस, इस DIY के लिए आपको सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए एंड दोनों ही बहुत ही हाइड्रेटिंग एंड नरिशिंग इंग्रेडिएंट्स हैं. सो फर्स्ट इंग्रेडिएंट आपको जो चाहिए वो है कर्ड, दही, योगर्ट, व्हाटएवर यू विश टू कॉल दैट. प्लेन योगर्ट आपको चाहिए. हम तो भाई पंजाबी हैं तो हम तो भाई घर में ही जमा लेते हैं दही, तो आप लोग अगर बाहर से लेकर आते हो तो आप बाहर वाला दही यूज़ कर लो, लेकिन प्लेन होना चाहिए, इट शुड नॉट बी सॉल्टेड और एनी फ्लेवर्ड वन. सो अ प्लेन योगर्ट, कर्ड, व्हाटएवर यू विश टू कॉल इट. एंड और चाहिए आपको हनी, किसी भी ब्रांड का हनी, कोई भी ब्रांड का हनी चलेगा, पतंजलि है, कोई ऑर्गेनिक ब्रांड है, एनीथिंग दैट यू हैव. हनी क्या करेगा, आपकी स्किन के एक्ने इश्यूज को भी काम डाउन करेगा एंड सेकेंडली आपकी स्किन को एक नेचुरल मॉइस्चर प्रोवाइड करेगा. हनी में ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं जिसमें मॉइस्चर लॉक करने की पावर होती है, सो आपकी स्किन में ज़्यादा देर तक मॉइस्चर लॉक रहेगा बिकॉज ऑफ हनी. एंड अगेन कर्ड में क्या होता है, इट हैज लैक्टिक एसिड, सो आपकी स्किन को नेचुरली एंड बहुत ही माइल्ड तरीके से एक्सफोलिएट करेगा एंड इट्स गोइंग टू ब्राइटन अप योर स्किन. सो बेसिकली ये दोनों इंग्रेडिएंट्स जो है हम यूज़ करेंगे. कुछ नहीं करना, थोड़ा सा कर्ड लेना है एंड थोड़ी सी हनी मिक्स करनी है इसमें, दैट्स इट, 1 टीस्पून. अपने फेस के अकॉर्डिंग आप इसे पूरी बॉडी पे भी लगा सकते हो, अपने फेस पे भी लगा सकते हो, जैसे आपकी इच्छा हो वैसे लगा सकते हो. सो ये एक आपका पैक बन गया है. बस उसके बाद आपको क्या करना है, ये ऐसा एक टेक्सचर होगा एंड इसको आपने लगा लेना है. लीव इट फॉर 10-15 मिनट्स एंड देन जस्ट वॉश इट ऑफ और आपकी स्किन ब्राइटन अप हो जाएगी, बहुत ग्लो करेगी एंड बहुत ही सॉफ्ट एंड सफल हो जाएगी. जो भी ड्राई स्किन के इशूज हैं, जैसे हो जाते हैं ना कभी कभी ड्राई स्किन के पैचेज हो जाते हैं नोज़ के अराउंड, माउथ के अराउंड, सो वो भी आप इशू देखोगे डेली यूज़ करने से, रेगुलर यूज़ करने से इस पैक को ख़त्म हो जाएंगे. अगर आपकी बॉडी की स्किन काफ़ी ड्राई आउट हो जाती है और आपको बार बार बॉडी मॉइस्चराइजर लगाना पड़ता है, सो आप इस पैक को यूज़ कर सकते हो डेली फॉर 10 मिनट्स एंड डेफिनेटली आपकी बॉडी की ड्राइनेस वाले इशूज में बहुत फ़र्क पड़ेगा, स्किन ब्राइटन अप होगी एंड एकदम ग्लो करेगी. देखो मैंने अपने हैंड पे लगाया था और मैंने मसाज कर लिया तो देखो ये एब्जॉर्ब ही हो गया ये पैक एंड 10 मिनट बाद मैं जब इसे धोऊंगी सो मेरी स्किन एकदम सॉफ्ट एंड सफल कर देगा. सो आप इसे फेस पे लगाओ, आप अपने हैंड्स पे लगाओ, फीट पे लगाओ, पूरी बॉडी पे लगाओ, जस्ट यूज इट फॉर 10-15 मिनट्स एंड ड्राई स्किन वालों के लिए दिस इज गोइंग टू बी अ मिरेकल और एकदम सॉरी मिरेकल है, एकदम मैजिक पैक होने वाला है. डेफिनेटली आप इसे ट्राई करना, विंटर्स आ रही है आप अभी से ट्राई करना स्टार्ट कर दो एंड आपको अपनी स्किन को हेल्दी रखने में बहुत हेल्प करेगा एंड ब्राइटन अप बहुत करेगा आपकी स्किन को विद रेगुलर यूज, बिकॉज हनी क्या करती है आपकी स्किन में मॉइस्चर को लॉक करती है एंड जितना आपकी स्किन में मॉइस्चर लॉक होगा, जितना आपकी स्किन में एक्ने इश्यूज कम होंगे, आपकी स्किन ब्राइटन अप होती जाएगी. एंड सेम गोज विद कर्ड, कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है तो आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, जेंटली एक्सफोलिएट करेगा, सो आपकी स्किन अपने आप ही यू नो ब्राइटन अप होती जाएगी क्योंकि उससे डेड स्किन सेल्स की लेयर हटती रहेगी. तो दिस इज अ पैक, आप अपने हिसाब से हनी की क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हो. मैंने 1 टीस्पून के अराउंड हनी लिया है एंड एक प्रॉपर टेबल स्पून मैंने कर लिया था. सो
सो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको लगता है आपकी स्किन को ज़्यादा मॉइस्चर की ज़रूरत है, आप थोड़ा सा ज़्यादा हनी डालो। और अगर आपको लगता है जैसे मेरी स्किन नॉर्मल जो ड्राई है, सो आजकल इतना ड्राई फील नहीं हो रही है, सो मैंने हनी कम यूज़ किया है। बट अगर आपको लगता है आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई हो रही है, सो आप ज़्यादा हनी यूज़ कर लो। बट आप इस पैक को रेगुलर यूज़ करोगे तो आपको अपनी स्किन में ब्राइटनिंग इफेक्ट एंड आपकी जो डल स्किन होगी वो काफ़ी ब्राइटन अप होगी और काफ़ी नरिश होगी। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड आप इस पैक को अपने घर पर जरूर ट्राई करोगे। सो इन केस यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू गाइज, बाय बाय।